देखिए, पहला है सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। सॉल्युबिलिटी फिर भी एक बार को समझी जा सकती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में हमारे पास होता है कि भाई दो चीजें हैं, या तो पोलराइजेशन डोमिनेटिंग है या तो डोमिनेटिंग नहीं है, और यहाँ पे अपने पास मोर देन वन फैक्टर रोल प्ले कर रहे होते हैं। पहले अपन बात करते हैं जहां पे पोलराइजेशन डोमिनेटिंग फैक्टर है, केसेस इन विच पोलराइजेशन इज डोमिनेटिंग फैक्टर। मतलब अपन जो भी कुछ है वो पोलराइजेशन के हिसाब से ही बात करेंगे, और अपन बोलेंगे कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतनी ही कम सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। और ये सॉल्युबिलिटी किसकी बात, किसमें बात हो रही है? पानी में बात हो रही है। ये सॉल्युबिलिटी की बात किसमें हो रही है? पानी में हो रही है। इसीलिए ए जी एफ इज मोर देन ए जी बी आर इज मोर देन सॉरी AgCl is more than AgBr is more than AgI। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, AgI के अंदर मैक्सिमम पोलराइजेशन है, इसीलिए उसकी सॉल्युबिलिटी भी मिनिमम है। या HgF2 is more than HgCl2 is more than HgBr2 is more than HgI2। बहुत पोलराइजेशन है, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए समझ में आ गया। यदि और भी लेना चाहें आप तो क्या टेक्स्ट किया है आप लोगों ने? सर बोलो सर, तो हैलोजन्स में सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी आयोडीन की है, तो उसके वजह से ये ऑर्डर बाय सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी। हाँ सर, एक्सट्रीमली क्लियर नहीं, और मैंने आज थोड़ा सा जूम इन राइटिंग एरिया कम कर दिया है, तो बोर्ड के बहुत पास रख रखा है कैमरा, कि यदि ब्लर भी हो तो बच्चों को दिखता रहे। आगे, यदि ऐसे केसेस नहीं है, मतलब इसमें और भी हो सकते हैं, जैसे PbF2 इज मोर देन PbCl2 इज मोर देन PbBr2 इज मोर देन PbI2। डन। यदि पोलराइजेशन डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है तो इट्स अ टग ऑफ वॉर बिटवीन टू थिंग्स। इफ पोलराइजेशन is not a dominating factor, यदि polarization dominating factor नहीं है, then solubility depends on two things, two factors। पहला lattice energy और दूसरा हाइड्रेशन एनर्जी। और जहां तक सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों के जो फैक्टर्स है वो सेम है। यदि अपन सिर्फ हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी को बात करें तो हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी दोनों ही इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो कंपेयर कैसे करें? तो कंपैरिजन पूरी तरह से ऑब्जर्वेशनल बच जाता है। कंपैरिजन पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन डिपेंडेंट हो जाता है कि भाई अपन ने जो ऑब्जर्व किया उसी के ऊपर सारी बातें होंगी। आप हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ा दोगे, मतलब यदि कंसेप्चुअली बात करें कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी,
लैटिस एनर्जी मतलब दो मॉलिक्यूल्स पास पास है, जब तक वो डिसोसिएट नहीं करेंगे वो सोलिबलाइज नहीं करेगा। तो यहां पर अब आपको जो जो भी कुछ आएगा वो सब इस बात पर आएगा कि इस केस में ये ज्यादा है, इस केस में ज्यादा है, इसके पीछे लॉजिक नहीं लगा सकते। अब सब कुछ ऑब्जर्वेशन बेस्ड होगा, मतलब आप कंसेप्चुअल नहीं सोच सकते कि अच्छा केसीएल में ऐसा होता है तो एमजीसीएल2 में ऐसा हो, कुछ नहीं पता ही नहीं अपने को क्या हो रहा है, क्योंकि केस टू केस एनर्जीज डिफरेंस आ जाता है। आर वी क्लियर? यस सर। इसीलिए मैंने कल कहा था कि आप लोग है ना जो लॉजिक वाला पार्ट है वो खत्म होके फिर आपके पास सिर्फ वही वाला पार्ट बचेगा। अब यहां से अपने पास ऑब्जर्वेशन है तो अपन लोग सिर्फ एक काम करते हैं कि डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड, मतलब डाउन द ग्रुप इंक्रीजिंग, डाउन द ग्रुप डिक्रीजिंग वाले लिख लेते हैं। पहले डाउन द ग्रुप डिक्रीजिंग, एल आई सी एल ओ फोर इज मोर देन एन ए सी एल ओ फोर इज मोर देन के सी एल ओ फोर is more than RbClO4 is more than CsClO4. Agla, LiNO3 is more than NaNO3 is more than KNO3 is more than RbNO3 is more than CsNO3. NaI is less than LiI is more than KI is more than RBI is more than CSI. ये लो है, ये exceptionally low है, exceptionally low, low due to high polarization, due to high polarization. पर इतना भी कम नहीं है कि बिल्कुल ही यहां पहुंच जाए। LIBR more than NABR is more than KBR, is more than RBBR, is more than CSBR. Okay. CACRO4 is more than SRCRO4, is more than BACRO4. बेरिलियम और मैग्नीशियम का क्रोमेट बहुत अनस्टेबल होता है तो उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। आगे बी ई एन ओ थ्री होल ट्वाइस इज मोर देन एन जी एन ओ थ्री होल ट्वाइस इज मोर देन सी ए एन ओ थ्री होल ट्वाइस इज मोर देन एस आर एन ओ थ्री होल ट्वाइस इज मोर देन पी ए एन ओ थ्री होल ट्वाइस। तो इन सब में क्या हो रहा है, इन सब में सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप कम हो रही है, तो इन सब में हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन लैटिस एनर्जी, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेंट है, डोमिनेटिंग है। यदि लैटिस एनर्जी डोमिनेटिंग होती तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी कम होती। प्लीज कॉपी कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे देखेंगे। सर बोलो। सर लिथियम में भी बहुत हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है, उसमें वो सेकंड पे भी होगा ना। सर पोलराइजेशन के एग्जांपल सोल्युबिलिटी के एग्जांपल से बिल्कुल उल्टा है ना।
आगे बढ़े। सर बोलो भाई। सर जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना ज्यादा कंपाउंड आयोनिक होएगा, और जितना ज्यादा आयोनिक होएगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए ना। जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी का मतलब क्या होता है पहले बता दीजिए। सर जब भी आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उन दोनों के मिलने पे जो एनर्जी रिलीज होती है, दो जब आयन दो आयंस पास पास आते हैं तो उन दोनों के एनर्जी मिलने पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं। यस सर। मुझे सिर्फ इतना बता कि नॉर्मल बिहेवियर में जो आयंस एक दूसरे के पास पास बिल्कुल जोर मतलब ज्यादा फोर्स लगा के अडहेड है उनको डिसोसिएट करना आसान होगा या उनको डिसोसिएट करना मुश्किल होगा? आसान होगा। जो पास पास जो जो ज्यादा फोर्स से बॉन्ड बना के बैठे उनको नहीं, उन्हें मुश्किल होगा। पक्का ना? यस सर। तो अब लैटिस एनर्जी वही तो है कि भाई कितना फोर्स है वो एक दूसरे से अटैच्ड है। समझा सर। बढ़े आगे सर। सर हाइड्रेशन एनर्जी उन्हें तोड़ने में हेल्पफुल होगा, उसले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? बिल्कुल। बढ़े आगे चले। मैंने कल नई मीटिंग क्रिएट करी दी थी। चलिए मैंने अभी नाइट्रेट तक लिखा था ना लास्ट। हाँ सर। बेरिलियम कार्बोनेट और सारे कार्बोनेट्स अब खुद से लिखते जाइएगा ना यार। बेरिलियम सल्फेट सिम CaSO3 SrSO3 BaSO3 CaS2O3 SrS2O3 BaS2O3। देखिए जिनके भी बाकी और नहीं लिख रहा हूं इसका मतलब है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बहुत हाईली अनस्टेबल होते हैं तो उनको लिखने का मतलब नहीं होता है। आगे BeCl2 इज मोर देन BeMgCl2 CaCl2 SrCl2 BaCl2 वैसे ही BeBr2 so on BeI2 and so on। ये इन सब में क्या चीज डोमिनेटिंग है? इन सब में लैटिस एनर्जी जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा है, सॉरी कम है, इसीलिए इन सब के अंदर सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। अब वो वाले ट्रेंड्स जिसके अंदर लैटिस एनर्जी इज डोमिनेंट ओवर हाइड्रेशन एनर्जी, तो इन सब के अंदर डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। Li2CO3 इससे ज्यादा होगा Na2CO3, इससे ज्यादा होगा
के टू सी ओ थ्री, इससे ज्यादा होगा आर बी टू सी ओ थ्री, इससे ज्यादा होगा सी एस टू सी ओ थ्री. आपने लिया सी ए सी टू ओ फोर, इससे ज्यादा होगा एस आर सी टू ओ फोर, इससे ज्यादा होगा बी ए सी टू ओ फोर, और इससे ज्यादा होगा बी टू सी टू ओ फोर. और ड्यू टू हाई, एक्सेप्शनली हाई हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है आगे. NaHCO3, KaHCO3, RbHCO3 एंड CsHCO3. देखिए इसमें ना अपन ने LiHCO3 नहीं लिखा, LiHCO3, LiHCO3 do not exist in solid state, तो इसलिए उसके बारे में ये सब बातें नहीं करनी चाहिए. दूसरी बात, NaHCO3 is almost insoluble. क्यों? क्योंकि NaHCO3 में ऐसा C डबल बॉन्ड O, O माइनस O H, यहां O, ये C डबल बॉन्ड O, O H, O, ऐसा पॉलीमेरिक, मतलब ऐसा पॉलीमेरिक हाइड्रोजन बॉन्डेड स्टेट रहता है, इसीलिए In NaHCO3, there is a polymeric H-bonded state due to which its solubility is quite less. Na KHCO3 की थोड़ी ज्यादा होती है, KHCO3 in KHCO3 HCO3 minus forms dimer, HCO3 forms dimer ऐसा H C double bond O, O minus O H O C double bond O OH, ऐसा. इसके अलावा बाकी और ट्रेंड्स, LiF इज मोर देन NaF इज मोर देन KF इज मोर देन RbF इज मोर देन CsF, LiOH इज मोर लेस देन NaOH is less than KOH is less than RbOH is less than CsOH, BeOH whole twice is less than MgOH whole twice is less than CaOH whole twice is less than SrOH whole twice is less than BaOH whole twice. Okay. MgF2 is more than CaF2 is more than SrF2 is more than BaF2, और इन सबसे बहुत ज्यादा होता है BeF2, और BeF2 का बहुत ज्यादा होने का रीजन सिर्फ एक है कि ड्यू टू एक्सेप्शनली हाई हाइड्रेशन एनर्जी. ये कॉपी करिए, इसके बाद अपन पढ़ेंगे आगे. थोड़े से दो तीन ट्रेंड्स और बचते हैं और फिर पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट्स के ट्रेंड और फिर ये खत्म हो जाएगा. सर डाइमर मतलब क्या? डाइमर मतलब दो दो चीजें एक साथ. और वो HCO3 में क्यों नहीं होता? NaHCO3 में
NaHCO3 में Na की साइज छोटी होती है तो वो लैटिस के अंदर बैठ जाता है, डिस्ट्रप्शन नहीं करता है। जबकि KHCO3 में जो साइज होती है कटाइन की वो बड़ी होती है तो वो लैटिस को वैसे बनने नहीं देता। सर वो NaHCO3 में Na कहाँ पर है? Na आई नहीं क्या, वो Na इसमें दिखाते नहीं है। ठीक है सर। सर तो उसमें कोवेलेंट कंपाउंड अनायन के फॉर्म में कैटायन से आयनिक बॉन्ड बना रहा है, वैसा है क्या? सर आपने जहाँ जहाँ एरो लगाए वहां पे डाउन द ग्रुप है ना, मतलब बी ना, मतलब सेम सेम ट्रेंड है, सेम ट्रेंड है यार, उसको लिखने को जोर आ रहा था। अच्छा ओके।
मेरे पास कोई जवाब नहीं आ रहा इन बात का कि भाई इसमें ऐसा क्यों नहीं है और उसमें ऐसा क्यों नहीं है। ये बात अपने शुरुआत से ही चालू की थी क्योंकि ये ऑब्जर्वेशंस हैं, इसके ऊपर ये नहीं है कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्रांति चौक एयरपोर्ट पर क्यों नहीं हो सकता। सर बोलो सर, वो डायमर के स्ट्रक्चर में दूसरा की कहाँ पे लगेगा? एक ये तो समझ गया, लेफ्ट में लगेगा। अरे वो केप लैटिस के अंदर सेट होते हैं, ऐसे लगते नहीं है, बॉन्ड नहीं है वो, आयनिक बॉन्ड नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है कि भाई यहीं लगेगा, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है, कहीं भी लग जाएगा। हाँ आपने लिखा था वो आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल। मुबारक हो आपको, याद है मैंने लिखा था ऐसा। थैंक यू। चलिए आगे देखते हैं।
ऑर्डरेंट्स LICL NaCl KCl LICL CSCl RBCl NaCl और KCl NaI LII सॉल्युबिलिटी के ट्रेंड्स हो गए हैं। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड की। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड और थोड़ा सा अब्रप्ट होता है। मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट के साथ समस्या क्या है कि उसमें बहुत सारी चीजें वर्क करती हैं, बहुत सारी। पोलराइजेशन वर्क करता है, लैटिस एनर्जी वर्क करती है, इसके अलावा पैकिंग लैटिस टाइप डिपेंड करता है, पैकिंग एफिशिएंसी मैटर करता है, तो दुनिया भर का कचरा होता है। इसीलिए अपन इसमें सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर लिखेंगे, बिना बहुत दिमाग लगाए, बिना लॉजिकल इसको ये प्रूव करें कि डाउन द ग्रुप ऐसा है, अक्रॉस द पीरियड ऐसा था, कुछ नहीं बात करने वाले हैं। ट्रेंड्स, NAF इससे ज्यादा होगा, MgO नहीं, ये क्या लिख रहा हूँ, MgO, CaO, BeO, SrO, BaO, observed as it is, वैसा ही लिख रहा हूं। CaF2, MgF2, SrF2, BaF2, BeF2। आगे NaF, KF, LIF, RBF, CSF, KI, NaI, RBI, CSI, LII, NaCl, KCl, RBCl, CSCl, LICl, NaBr, KBr, RBBr, CSBr, LIBr, ठीक है। आगे हैलाइड्स हो गए, BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, PaCl2, BeBr2, BeCl2, MgBr2, CaBr2, SrBr2, PaBr2। ये रटना है आपको एज सच, कोई ट्रेंड निकालने की कोशिश मत करना, पेपर में बहुत गलतियां होती हैं, इससे हमसे भी होती हैं, ऐसे आपसे अकेले से नहीं होती है। LICL, NaCl लिख दिया है,
AlF3, AlCl3, AlI3, AlBr3. ये सब हेलोजन और उसके डाउन द ग्रुप वाले ऑर्डर्स हैं। यदि अपन अक्रॉस द पीरियड के और भी ऑर्डर देख सकते हैं, बट नन ऑफ देम इज नेसेसरी। इतने आपको याद करने हैं, और इसमें जितना कम दिमाग लगाएंगे उतना ज्यादा सुखी रह पाएंगे आप लोग, ठीक है? ये मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड्स हैं, प्लीज कॉपी कर लीजिए। सर, इनके रीजंस हम फ्यूचर के कोई चैप्टर में करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे, कहीं पर भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। सर, वो फर्स्ट वाला किसका है? वो लिथियम वाला? क्या वो फर्स्ट ट्रेंड? वो तो सॉलिबिलिटी का ही है, वो तो सॉलिबिलिटी चल रहा था ना अब तक। तो भाई ऐसा है, ये जितने मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर होते हैं ना, मेल्टिंग पॉइंट में बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ वर्क कर रहे होते हैं यार, अपने को पता नहीं कौन सा वर्क कर जाएगा। वैसा है कि भाई आखिरकार आप किसी एक पार्टिकल के ऊपर 50 तरह की फोर्सेस लग रही हैं, अब आपको नहीं पता कौन सी फोर्स किस कंडीशन में डोमिनेट कर जाएगी और क्या इफेक्ट आ जाएगा। वैसा है तो ये बोल पाना कि यही ऑर्डर होगा वही ऑर्डर होगा, वो थोड़ा सा थियोरेटिकल ज्यादा हो जाता है रादर देन प्रैक्टिकल। इसलिए सर वो फर्स्ट वाले पे भी कोई लॉजिक नहीं क्या? फर्स्ट वाले पर भी कोई लॉजिक नहीं है, ऐसा कुछ खास नहीं निकाल पाएंगे अपन। मतलब यदि घोषित भी करने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको और आप मेरे को बेवकूफ बना रहे होंगे बस। सर सॉल्युबिलिटी वाला, सॉल्युबिलिटी वाले के अंदर भाई यही मैं लॉजिक दे सकता हूं, पर उस जिस लॉजिक को याद करने में आधा घंटा लगे और जिस ट्रेंड को याद करने में 5 मिनट लगे, तो बता क्या बेटर है? सर यही सीक्वेंस बॉइलिंग पॉइंट के लिए होगा ना? अगर उसको बात सीक्वेंस नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट में सब लगता ही नहीं है। अच्छा, दोनों अलग अलग बातें हैं। सर एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं? बिल्कुल सर, इसीलिए याद करने को बोला है बिना इमोशनल हुए। कॉपी कर लीजिए, खुशखबरी आपका केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गया है।
और अब अपने को पढ़ने हैं नए चैप्टर मोल कंसेप्ट से, बिल्कुल फ्रेश चैप्टर, बिल्कुल फ्रेश लॉजिक, बिना ऐसा कुछ भी नहीं जो रिपीटेटिव हो।